फ्रेंड्स आज मैं 40 साइज का ब्राकार ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। जितना भी ब्राकार ब्लाउज है, जितना भी साइज का है, पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैं बूट नेक और प्रिंसेस कट का वीडियो दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप जितना भी साइज का है पूरा आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, आपको अपनी साइज के हिसाब से वीडियो धीरे धीरे मिल जाएगा। तो यहाँ पे फैब्रिक को मैंने टू फोल्ड किया। अभी सबसे पहला मैं बैक पार्ट काटना है, तो बैक पार्ट का यहाँ पर लंबाई देना है। लंबाई मैं 16 रखूंगी। अगर आपकी हाइट 5'7", 8, 9 इस तरह का होता है, उस टाइम पे आप यहाँ पे 17 इंच रख दीजिएगा ब्लाउज का लंबाई। अगर किसी की बहुत कम होता है उस टाइम पे आप 15.5 इंच रख दीजिएगा। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल रखूंगी 6 इंच। यह अगर आपके आर्म होल बहुत ही कम है उस टाइम पे आप और भी थोड़ा कम रख दीजिएगा। और रेडीमेड के लिए आपको 6 इंच लेना है। यहाँ से छाती का चौथा हिस्सा लेना है। ध्यान में रखिएगा ये बॉडी के हिसाब से होता है ब्लाउज। अगर आपकी अपर चेस्ट 40 होता है उस टाइम पे ये मेजरमेंट आपका परफेक्ट होगा। अगर आपकी अपर चेस्ट इससे ज्यादा है तब ये मेजरमेंट आपका छोटा होगा। मैं हमेशा बॉडी के हिसाब से ब्लाउज कटिंग करती हूँ। यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। रेडीमेड के लिए आपको 2.5 से 3 इंच लेना है। 1.5 इंच पे मैं आर्म होल रखूंगी। टोटल जितना छाती हुआ है उससे 1/2 इंच कम रखूंगी मैं कमर के लिए। इस तरीके से लेने से कमर के लिए अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है। नेक का चौड़ाई में 2 इंच रखूंगी। बैक साइड पे अगर डोरी देना है तो आप 2.5 इंच ले लीजिएगा। नीचे की तरफ 10.5 इंच रखूंगी। इस तरफ 3.5 इंच रखूंगी। यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन दे सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो मटका गला की तरह अलग से डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर अलग से कोई भी डिजाइन नहीं करना है तब इस तरीके से आपको यहाँ पे कट कर लेना है। अगर आपको नीचे की तरफ डिजाइन करना है तब आपको यहाँ से और भी नीचे की तरफ से ये शेप देना है। इस तरीके से, तो इस तरीके से मैं काट के आपको दिखाऊंगी डिजाइन करके। यहाँ पे आपको 6 इंच पे निशाना लगा लेना है। ऊपर की तरफ आपको 6 इंच उठा लेना है। बैक पार्ट हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउन करके काट कर लेना है। ये आपको रख देना है, बाद में काम आएगा। स्लीव्स के लिए देखिए यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है। इस तरीके से 9.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 1 सूट ज्यादा है, इतना तक हुआ है। तो जितना मिला है उससे आपको 1 इंच ज्यादा लेना है। तो 10.5 इंच से 1 सूट हमें ज्यादा लेना है, इतना तक हमें स्लीव्स का चौड़ाई लेना है। अभी देखिए बैक पार्ट के हिसाब से पहले हमें निशाना लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। इसको हटा लेना है। यहाँ तक बैक पार्ट था, अभी यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट के लिए। ये डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग होता है जिसके कारण आपको मिनिमम 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से सीधा फ्रंट नेक डीप लेना है। 7.5 इंच रखूंगी। छोटा चाहिए तो आप 7 इंच रख दीजिएगा। नेक का चौड़ाई यहाँ से 2.5-3 इंच रखूंगी। अगर थोड़ा सा फैला हुआ चाहिए तो 3 इंच रख दीजिएगा।
तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया है। अभी यहाँ पे बस्ट पॉइंट के लिए पहले 6 इंच पे निशाना लगाना है, उसके बाद आपको 5.6 इंच से 6 इंच से दूसरे कम आपको यहाँ पे निशाना लगा लेना है। यहाँ से अब एक कटोरी के लिए लेना है, आप यहाँ पे चाहो तो 8.5 इंच भी ले सकते हो, 9 इंच भी ले सकते हो, 9.5 इंच भी ले सकते हो, आप अपनी फुल बस्ट के हिसाब से लीजिएगा। फुल बस्ट अगर नॉर्मल है उस टाइम पे 8.5 इंच लीजिएगा, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है तो आप 9 इंच पे लीजिएगा, अगर बहुत हेवी है तो 9.5 इंच पे लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे रखूँगी, जितना मिला है इसको हाफ कर लेना है। ऊपर की तरफ देखिए 1 इंच से 3 सूत भी ले सकते हो, 1 इंच से 2 सूत भी ले सकते हो। यहाँ पे जो कॉटरी का शेप बहुत ज़्यादा ऊपर हो चाहिए तो 1 इंच लेने के बाद और भी 3 सूत लीजिएगा, अगर नॉर्मल चाहिए ज़्यादा ऊपर हुआ नहीं चाहिए तो 1 इंच लेने के बाद 2 सूत लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 2 सूत लेके आपको आज दिखाऊंगी। यहाँ पे हल्का सा आपको ऐसे दबा के देना है। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, मिलाने से पहले यहाँ पे आप चाहो तो 5 इंच, 5.5 इंच या 6 इंच कहीं से भी आप ये मिला सकते हो। देखिए तो मैंने यहाँ पे लगभग 6 इंच के आसपास मिला दिया। आपको देखना है कहाँ पे शेप अच्छा आ रहा है, जहाँ पे शेप अच्छा आता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मिला देना है, उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे का पार्ट लेना है 4.5 इंच। यहाँ पे और एक चीज रह गया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। मिलाने से पहले थोड़ा सा बाहर की तरफ लगभग 3 सूत लेके जाना है, इसको आपको तिरछा करके देखिए ऐसे तिरछा करके मिला देना है। अगर आप पहले पेपर पे काटते हो उसके बाद ये पॉटरी का पार्ट ये पूरे करते हो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा लिया ये पेपर पे लेने का जरूरी नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे मिला देना है, उसके बाद उसी हिसाब से आपको फैब्रिक काट कर लेना है। यहाँ पे हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, जितना ऊपर की तरफ होगा सेम नीचे की तरफ आपको लेके आना है। यहाँ से 1.5 इसको ऐसे तिरछा करके देना है। यहाँ पे जैसे हुआ है बिल्कुल वैसे यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ तक भी हो गया है। अभी ये पार्ट कितना लेना है, जो नीचे का पार्ट है इसको पहले ऐसे मिडल कर लो। मिडल करने के बाद यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देना है। निशाना को ऐसे सीधा नहीं रखना है, हमेशा लगभग 1.5 इंच तिरछे करके आपको यहाँ पे लगा लेना है। देखिए ऐसे हो गया है और कुछ भी नहीं करना है। अभी नीचे का बेल्ट रह गया है, बेल्ट के लिए आप यहाँ पे बैक पार्ट ले लो, इसका चौड़ाई से आपको लेना है। देखिए यहाँ से हो गया है, अभी हल्के से यहाँ पे ऐसे तिरछा कर दो। मिडल में से आप यहाँ पे 5 इंच रख दो। ध्यान में रखना है जितना ब्लाउज का लंबाई ज्यादा होगा बेल्ट का लंबाई भी ज्यादा होगा। 5.5 यहाँ पे लगभग 6 इंच है, हो जाएगा बराबर, और कुछ भी नहीं करना है। अभी हमें कट करना है, इस साइड पे थोड़ा सा तिरछा कर देना है। बेल कटिंग हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है। और स्लीव्स किस तरीके से काटना है आप मेरे कोई भी ब्लाउज का कटिंग वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने पहले अपलोड किया, वहां पे आपको मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया है 40 साइज ब्लाउज का किस तरीके से काटना है ब्राकेट ब्लाउज। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है आप लोग मुझे जरूर कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे आपको इसका सिलाई मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।